ये लाइव नजारा आप हिसार की राजगुरु मार्केट का देख रहे हैं, जहां पर 3 बजकर के ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी मार्केट बंद नहीं की गई है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी सोनी और आप देख रहे हैं सिटी 24 चैनल। इस वक्त मैं हिसार के राजगुरु मार्केट के अंदर मौजूद हूं। राजगुरु मार्केट की तस्वीरें, जी हाँ, लाइव तस्वीरें आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि हिसार की राजगुरु मार्केट कितने बजे तक बंद होती है। कैप्शन के अंदर आपने पढ़ लिया है कि अब हिसार की राजगुरु मार्केट या हिसार की कोई भी मार्केट 3 बजे बंद नहीं होगी। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, उसके पीछे का कारण अभी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले पूरे मार्केट की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि पूरा मार्केट अभी तक खुला हुआ है। हालांकि घड़ी की तरफ नजर दौड़ाएंगे तो 3:07 हो चुकी है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठ खड़ा हुआ है कि राजगुरु मार्केट को या फिर मार्केट के ऊपर ऑर्डर चलाया जाता है कि आप लोगों को 3 बजे तक मार्केट बंद करनी पड़ेगी, लेकिन अगर बात की जाए शराब के ठेकों की या फिर बड़े बड़े मॉल्स की, तो वो जो है 3 बजे तक बंद नहीं करवाए जाते। हालांकि मेरे साथ यहाँ पर कुछ दुकानदार भी मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये 3 बजे तक का जो टाइम रखा गया है, क्या उससे संतुष्ट है। सर, मुझे ये बताइए कि जो 3 बजे तक का टाइम रखा गया है, क्या आप उसे संतुष्ट हैं? एक सेकंड बाद बात करता हूँ। संतुष्ट है जी। अच्छा, ठीक है, जा रहे हैं घर, अब रोटी खाएंगे। अभी तो 3 बजकर के ऊपर का समय हो चुका है, दुकानें अभी तक बंद नहीं हुई हैं। कितने बजे दुकानें बंद होती हैं? 1 मिनट ही ऊपर हुआ है, ऐसे थोड़ी ना कि दुकानदार के 3 बजे का इंतजार करेंगे। तो कितने बजे तक आप लोग दुकानें बंद करते हैं? 15 मिनट तो लगते ही है, 3:15 बजे तक, मतलब पूरी मार्केट क्लोज हो जाएगी। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और दुकानदार भी मौजूद है। सर, मुझे आप बताइए कि आप कितने संतुष्ट है 3 बजे तक के समय से, क्योंकि शराब के ठेकों की बात की जाए तो पूरे दिन खुले रहते हैं, लेकिन जरूरी सामान जो है वो 3 बजे तक बंद कर दिया गया है। कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो क्या है जी, बस टाइम पास करने आ जाते हैं, काम धंधे तो है नहीं। बाकी जैसे घर बैठे हैं वैसे सफाई करके बैठ जाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, बैठे रहते हैं। और तो ग्राहक आते हैं? कहाँ ग्राहक है मैडम, सुननी पड़ी है मार्केट, ग्राहक कहाँ होती है, ग्राहक तो है ही नहीं। बाकी ये टाइम पास करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, तो कुछ और भी यहाँ पर दुकानदार मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो ये समय रखा हुआ है 3 बजे तक का, क्या ये लोग इससे संतुष्ट हैं? सर, ये दुकान आपकी है? अच्छा, मुझे ये बताइए, 3 बजे तक का समय रखा गया है राजगुरु मार्केट का, क्या आप संतुष्ट हैं कि 3 बजे तक जो ग्राहकों की बिक्री है वो सही हो जाती है? नहीं हो पाई, नहीं हो पा रही, संतुष्ट नहीं है। नहीं। कितने बजे तक का समय होना चाहिए? 6 बजे तक होना चाहिए। 6 बजे तक का होना चाहिए, ठीक है। पहले अगर बात की जाए तो राजगुरु मार्केट एसोसिएशन की तरफ से कहा जा रहा था कि 10 से 3 तक का ही समय ठीक है, उसके बाद प्रशासन को कहीं ना कहीं पत्र जारी किया, 3 बजे तक का समय कर दिया। अभी भी आप लोग संतुष्ट नहीं है? नहीं, हम संतुष्ट हैं मैडम। कितने ग्राहक आ जाते हैं दिन भर में? कुछ नहीं आता, अब आते हैं, बढ़ाने का टाइम हो गया, जा रहे हैं बढ़ा के। बस जाने का टाइम होता है ना, जब कस्टमर आती है फिर इतनी देर में वो मिनी आ जाती है, बस ट्यू ट्यू करती हुई पुलिस वाले आ जाते हैं। बंद पुलिस की गाड़ी जो है रोजाना यहाँ से गुजरती है, गुजरती है। 3 बजे का टाइम है ना, केवल दुकानदारों के लिए है, अडानी और अंबानी के लिए 6 बजे का टाइम दिया सरकार। शराब के ठेके पूरे दिन खुले रहते हैं, ये केवल और केवल दुकानदार है ना जो, इनके लिए 3 बजे का टाइम है। जो बड़े बड़े नेता लोग है ना, इनके लिए पूरा टाइम है, कभी मर्जी खोलो कभी मर्जी बढ़ाओ। तो यानी कि आप संतुष्ट नहीं है 3 बजे के टाइम? कोई भी संतुष्ट नहीं है जी इस टाइम से। अच्छा, ये बताइए राजगुरु मार्केट के अंदर जो है पुलिस किस टाइम आ जाती है बंद करवाने के लिए दुकान? पुलिस आज तो आई नहीं, बाकी आ जाती है 3:15 बजे तक आ जाती है। अच्छा, ठीक है। बाकी यहाँ जो संतुष्ट है ना 3 बजे के टाइम पे, वो केवल और केवल जितने भी प्रधान है ना, ये सारे संतुष्ट हैं, क्योंकि इनके जो खजान भरे पड़े हैं, पैसों की इनको जरूरत है नहीं, पैसों की, तो इनको 3 बजे का टाइम बहुत बढ़िया है। 3 बजे का ना चाहिए, 1 बजे कर दो, उसमें तुम संतुष्ट है, तो मारे वर्ग संतुष्ट नहीं। अगर दुकानों की बात की जाए तो पुलिस ने 2 दिन पहले 2-3 दुकानदारों को साथ में बिठा भी लिया था, क्योंकि उन्होंने दुकान बंद नहीं की थी, तो क्या इस तरीके का रवैया ठीक मानते हैं? ना, रवैया इस तरह क्या ठीक है जी, एक गरीब आदमी मरेगा बेचारा, और तो क्या हमने बढ़ानी पड़ रही है, हमने बैठा के ले जाएंगे, ये मानते इस बात ना, हमने बढ़ानी पड़ रही है, उन्हें बैठा के ले जाएंगे। ये वो मरलाला जी खड़े हैं, वो भी बढ़ाने लग रहे हैं, 6 बजे तक वो बैठते थे, पहले 12-12 बजे का टाइम था, जब 1 बजे तक बैठा करते, ऐसा है, और तो कुछ नहीं। ठीक है, तो लगातार आप लोग देख पा रहे हैं कि दुकानदार जो है यहाँ पर संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। हालांकि और दुकानदारों की बात की जाए तो आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी अभी जो है दुकानें बंद करनी शुरू हो चुकी है, सामान जो है बाहर से उठाया जा रहा है, यानी कि बाहर जो बरामदे के अंदर सामान रखा जाता था वो अब उठाना शुरू कर दिया गया है। लेकिन अगर बात की जाए पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन जो है 3:15 बजे तक आ जाते हैं दुकानें बंद करवाने के लिए,
लेकिन ये वो समय है जब ग्राहक यहाँ पर आते हैं और ग्राहकों की शॉपिंग शुरू होती है, उसी समय दुकानें बंद करने का समय हो जाता है। क्योंकि महिलाओं की बात की जाए तो महिलाएं ज्यादातर शाम को आती हैं, युवाओं की बात की जाए तो युवा भी जो है शाम को निकलते हैं, गर्मी इतनी ज्यादा है। हालांकि दो दिन से मौसम तो ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए आगे या पीछे के दिनों की तो मौसम बहुत ज्यादा था। ऊपर आप देख पा रहे हैं कि लगातार जो है दुकानों के शटर गिरने शुरू हो चुके हैं, दुकान जो है यहाँ पर सामान उठाने शुरू हो चुकी है। ये लगातार लाइव तस्वीरें हम आपको हिसार के राजगुरु मार्केट की दिखा रहे हैं। लेकिन अब बात आती है समय की, समय कितना हो चुका है, 3:14 हो चुकी है। अब दिखाते हैं आपको पूरे राजगुरु मार्केट की तस्वीरें कि कितनी दुकानें खुली हैं, कितनी दुकानें बंद हो गई हैं। और अगर ऑड इवन की बात की जाए तो ऑड इवन जो है यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, सारी की सारी दुकानें खुली है। राजगुरु मार्केट के लोगों ने पहले ही कह दिया था कि ऑड इवन जो रूल है वो बिल्कुल भी नहीं माना जाने वाला है, क्योंकि हो सकता है एक दिन एक दुकान खुले, दूसरे दिन दूसरी दुकान के अंदर किसी ग्राहक को काम हो तो वो ग्राहक को घर दोबारा से जाना पड़ेगा। अब आपको मुआयना कराते हैं पूरे राजगुरु मार्केट का कि पूरी राजगुरु मार्केट क्या 3 के बाद भी खुली है। आपकी क्या राय है, क्या समय मानते हैं आप लोगों की राजगुरु मार्केट का होना चाहिए, वो मुझे सीधा कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। राजन मलिक कह रहे हैं कि 3 से 6 तक का होना चाहिए क्योंकि दिन में कस्टमर्स आते ही नहीं है। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से सहमति रखती हूँ, क्योंकि शाम का समय ही होता है जब राजगुरु मार्केट के अंदर लोग आते हैं, या फिर जिलों की बात की जाए किसी भी जिले के अंदर लोग आते हैं, क्योंकि शाम के समय ही लोग जो है घर से बाहर निकलना प्रेफर करते हैं। लेकिन अभी देखिए मार्केट जो है पूरी खुली हुई है, हालांकि मैंने लिखा है ऊपर कि दुकानों का समय अब 3 से जो है ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। क्या कैप्शन की सच्चाई है वो कुछ ही देर के अंदर आपको बताने वाली हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या समय के अंदर बढ़ोतरी हुई है, क्या राजगुरु मार्केट अब 3 के बाद भी खुली रहेगी, क्या हिसार की सभी मार्केट 3 के बाद खुली रहेंगी। तो इसका लाइव एग्जांपल अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या हिसार की मार्केट अब 3 के बाद भी खुलने वाली है। लेकिन सबसे पहले तस्वीरें दिखाई जा रही हैं आपको, ये सीधा लाइव तस्वीरें मैं आपको हिसार शहर की दिखा रही हूँ, जहाँ पर एक एक दुकान का मुआयना हम लोग कर रहे हैं कि क्या 3 के बाद सरकार ने दो हिदायत दी थी उसके मद्देनजर दुकानें खुली है। तो आपको बता देती हूँ कि अभी तक मुझे कोई भी दुकान यहाँ पर बढ़ाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि 3-4 दुकान जो है इनके शटर अभी बंद होने शुरू हो चुके हैं, सामान लोग अंदर रखना शुरू हो चुके हैं। लेकिन अगर बात की जाए राजगुरु मार्केट की, तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीधा मैं आपको सारी की सारी दुकानों का मुआयना करवा रही हूँ, चाहे वो कपड़ों की दुकान हो, बर्तनों की दुकान हो, सोने चांदी की दुकान हो। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आ खड़ा हुआ है कि शराब की दुकान, जी हाँ, एल्कोहल इज इंजरस टू हेल्थ ये हर जगह लिखा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बात की जाए शराब की, शराब सेहत के लिए हानिकारक है, वो दुकानें रोजाना खुलती है, सुबह से लेकर के शाम तक सारी की सारी दुकानें खुलती है, लेकिन व्यापारियों की, छोटे व्यापारियों की, कपड़े की दुकानें जहाँ पर शायद इतनी ही कमाई हो रही है लॉकडाउन के अंदर जितनी कि उनका घर का खर्चा चल सके, लेकिन ग्राहक नहीं आने की वजह से उनकी बिक्री भी नहीं हो पा रही है। ये देखिए अभी ये तस्वीरें जो है हिसार की पूजा मार्केट की मैं आपको दिखा रही हूँ, चौधरी मार्केट की आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर लोगों ने सामान उठाना शुरू कर दिया है, पूरी की पूरी मार्केट जो है बंद कर दी गई है। हालांकि ये तस्वीरें अभी हिसार की राजगुरु मार्केट की दिखाई जा रही हैं। ये मॉल है सिल्वर स्केयर मॉल की बात की जाए तो इसके अंदर अभी दुकानें बंद होनी शुरू नहीं हुई हैं। और ये अभी देखिए थोड़ी थोड़ी दुकानों के शटर गिरने शुरू हो चुके हैं। संदीप गर्ग कह रहे हैं कि शराब के ठेके भी बंद होने चाहिए, इनका अलग टाइम क्यों। बिल्कुल सर, दुकानें जो है सीधा सारी की सारी दुकानें लोग अपने घर का खर्चा चलाने के लिए खोलते हैं, लेकिन शराब की दुकानों का टाइम अलग, व्यापारियों का टाइम अलग, ऐसा क्यों किया जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो चुका है
कि ओड इवन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओड इवन क्या है, हिसार के व्यापारी मानने वाले हैं, लेकिन आप लोग देख पा रहे हैं कि ओड इवन के तहत एक भी दुकान यहाँ पर नहीं खुली है। ये सीधा लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी आर्य नगर मार्केट की तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि आर्य नगर मार्केट के अंदर लोगों का क्या कहना है। ये मेरे साथ यहाँ पर बजाज जी जुड़ चुके हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर अभी अभी मैंने दुकानदारों से बात की, आपने कहा कि 10 से 3 बजे तक व्यापारी जो है सहमत है, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि एसोसिएशन के प्रधानों को छोड़ करके मार्केट के अंदर कोई भी इस टाइम से खुश नहीं है। क्या मानते हैं कि क्या आप लोगों ने सिर्फ अपने लिए ही टाइम लिख करके पत्र जारी किया? ऐसा है जी, ये पत्र यहाँ से थोड़ी जारी हुआ है, ये तो सरकार करती है। व्यापारी तो ये भी कह देंगे सारी रात भी खोल लो, कोई माने थोड़ी है। ऐसा है जी, ये ऊपर से गाइडलाइंस आई है, हमने तो ये कहा था भाई 9 से 5 करो, 9 से 6 करो, एक इशार में तो है नहीं। अच्छा इशार में तो बल्कि ओडी वन भी नहीं है, बाकी जगह ओडी वन है, फिर व्यापारी क्या करते। ये एसोसिएशन ये थोड़ी लिख के दिया था कि हमारे को 6 जो सरकार टाइम दे दी, हम तो उसके अनुसार से कहा भी इतनी टाइम ये दो, नहीं तो 7 से 12 दे तो वो क्या टाइम था। अब हमने ये तो करवा दिया, अगले हफ्ते सारा रूटीन में आ जाएगा, ये सरकार की गाइडलाइन। अगर जब दुकानदार ये लिख के दे रहे थे भाई पूरी दुकानें बंद करी जाएं जब लॉकडाउन नहीं लगा सरकार ने, उस टाइम तो इच्छुक थे ना। अब बीमारी धीरे धीरे जा रही है तो उसको धीरे धीरे सारा खुल जाएगा। अब दुकानदार तो अच्छा, कुछ भी बताइए, सरकार की तरफ से ओड इवन रूल लागू कर दिया गया है, लेकिन राजगुरु मार्केट के अंदर इसे कोई फॉलो नहीं कर रहा, तो क्या एसोसिएशन की तरफ से प्रयास नहीं किया जाता कि ओड इवन का रूल जो है लागू करवाया जाए, या फिर आप लोग भी सहमत नहीं है? सहमत, राजगुरु मार्केट इतनी खुली है, अब ये देखो कितनी सड़क है, इतने बरामदे हैं, ये जहाँ भीड़े इलाके हैं ना वहाँ बंद कराए, यहाँ तो बहुत खुली मार्केट है और यहाँ ना इतना कोई भीड़ रहती है। अब 14-14 फुट के बरामदे हैं, फिर सड़क है, फिर आगे कस्बे एक जहाँ भीड़ी जगह होती है वहाँ ओडी वन चलता है, यहाँ की जरूरत भी नहीं है चलाने के लिए। ठीक है, तो कितना मानते हैं कि 7 तारीख के बाद से टाइमिंग पूरी कर दी जाएगी 6-7 बजे तक? ऐसा है मेरे हिसाब से तो हो जाएगी अगले नेक्स्ट वीक में हो जाएगी, 7 बजे तक 6 बजे तक। ग्राहकों की बात की जाए तो क्या ग्राहक आना मार्केट के अंदर शुरू हुए हैं? ग्राहक आ रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं, बिक्री हो रही है। हाँ जी, अब हर दुकान पे हो रही है, ऐसी बात नहीं, मौसम भी कुछ ठंडा है उसका भी बड़ा फायदा है। ठीक है, तो ये सीधा लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी हिसार की आर्य नगर मार्केट की तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जहाँ पर देखते हैं कि क्या दुकानें अभी बंद हुई है या नहीं हुई है। ये सीधा लाइव तस्वीर है, ये देखिए अभी जो है कुछ दुकानें अभी भी खुली है, हालांकि अभी तक बंद नहीं की गई है, कुछ दुकानें बंद होना शुरू हो चुका है। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए, पुलिस जो है रोजाना आ जाती है, लेकिन आज की बात की जाए तो आज पुलिस नहीं आई है। ये हिसार की आर्य नगर मार्केट की तस्वीरें दिखाते हैं आपको, जहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे दुकानदार रहते हैं, शायद जिनके घर का खर्चा चलना भी मुश्किल होगा, वो व्यापारी कितने संतुष्ट है वो देखते हैं। अभी पूछने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनका घर का गुजारा हो पा रहा है इतने टाइम के अंदर। सर मुझे ये बताइए कि आप छोटे व्यापारियों के अंदर आते हैं, अभी दुकान बढ़ाने का समय हो चुका है 3 बजे तक का, तो क्या आप लोग संतुष्ट है 3 बजे के टाइम में? कोई नहीं संतुष्ट है जी, संतुष्ट है, बिक्री हो जाती है। हाँ, अच्छा पहले के मुकाबले कितने ग्राहक आ रहे हैं? ठीक है जी, अभी थोड़ा डर तो लगता है बीमारी से, अपने आप को डर तो लगता ही है जी, बाकी थोड़ा है काम, चलो ठीक है, गुजारा चल रहा है, गुजारा चलता रहेगा। अच्छा आपकी भी दुकान है यहाँ पर? अच्छा ये बताइए कितने संतुष्ट है 3 बजे के समय से? 3 बजे समय से कितने संतुष्ट है? ठीक है, दाल पानी पहले से तो ठीक है, फिर गुजारा लगता है। अच्छा ना से तो यही ना से तो ठीक है भाई, खर्चा पानी कुछ उससे ही बचाव रहेगा। ठीक है, बिक्री हो रही है कम 20%? 20% बिक्री हो रही है, यानी कि प्रभाव पड़ गया। कितने बजे दुकानें आप लोग बंद कर देते हैं? 3:30, 5:10 बजे, यानी कि 3:30 तक आप पाता पौने 3, 3:30 से पहले बंद। अच्छा तो ये जो है मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखा रही हूँ पूरी आर्य नगर मार्केट की, कि यहाँ पर दुकानें जो है बंद होनी शुरू हो चुकी है, सामान अंदर रखना शुरू हो चुका है, हालांकि मौसम का असर है कि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। खैर ये तो यही तक की खबर थी, लेकिन आपको बता देते हैं कि राजगुरु मार्केट के अंदर अभी तक कोई भी टाइम नहीं बढ़ाया गया है, सिर्फ व्यापारी वर्ग जो है कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, और उनका मानना है कि अगर आने वाले समय तक 3 बजे तक का टाइम नहीं बढ़ाया गया तो वो खुद ही इस समय को बढ़ा देंगे। ये जी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी 24 चैनल हिसार।